फेजर एलजेब्रा टोटली ऑप्शनल है, तो जो लोग रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं तो ना तो ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है, मेन्स और नीट में एक क्वेश्चन अगर आ गया वो क्या क्वेश्चन बताता हूँ मैं, बस उसके लिए करवा रहा हूँ। फेजर एलजेब्रा में सपोज करो, ये एक नया एलजेब्रा है जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बहुत आसान करता है, मैथमेटिकली सोल्व करता है, ज़्यादा इसमें करना नहीं है, फट एलजेब्रा लगाओ और फटाफट आंसर आता है इम्पिडेंस का। देखो कैसे, सबसे पहले अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है और ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है, तो मैं यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं कर रहा, देखने में ऐसा ही लगता है रेजोल्यूशन हो रहा, नहीं कर रहा। ये कंपोनेंट एक्स के अलोंग है, बी कंपोनेंट ए कंपोनेंट से एंटी क्लॉकवाइज आगे है बाय एन एंगल ऑफ 90, ठीक। तो फेजर एलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं कि ए वेक्टर के अंदर ए मान लो इस तरफ है और बी कंपोनेंट आगे है एंटी क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसके लिए एक फैक्टर लेते हैं जे ऑपरेटर जे, तो यहाँ ये जे कैप नहीं है, कई लोग सोचते हैं सर भूल गए आई कैप ए आई कैप जे बे कैप बी कैप, नहीं जे बी कैप नहीं है, ये आई जे कैप नहीं है, ये जे ऑपरेटर है, जिसके आगे जे ऑपरेटर लगता है इसका मतलब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आगे हो जाता है। तो ये आपको ये बता रहा है कि ए अगर यहाँ पर है तो बी 90 डिग्री आगे है। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ध्यान से देखना, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ए वेक्टर मान लो इस तरफ है, अगर मैं ए वेक्टर के आगे क्या लगा दूं जे, कैप नहीं है अकेला जे, तो इसका मतलब नया वेक्टर यहां बनेगा कितना जे 90 डिग्री आगे आ गया, यहां लिखते नहीं जे वैसे, बस ये नया वेक्टर आ गया जो 90 डिग्री आगे हो गया। तो मान लो इस नए वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, चलो इसका नाम बी वेक्टर है, तो ये समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री आगे हो गया। एक स्टूडेंट आया वो कहता है ठीक है एक वेक्टर है जे ए वेक्टर, इसको एक और जे से मल्टीप्लाई कर दो, ओ ये कैप आदत पड़ी हुई है कैप नहीं लगाना, एक और जे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वेक्टर था अब ये 90 डिग्री और आगे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जे जे ए वेक्टर। कोई कहता है जे से और मल्टीप्लाई कर दो तो 90 डिग्री और उधर हो जाएगा, जे से और मल्टीप्लाई कर दो इधर आ जाएगा, तो 90 डिग्री घूमता रहेगा जितने जे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि ये वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ जे ए वेक्टर, तो पता लग रहा है कि ए वेक्टर से 90 डिग्री आगे है और दो बार जे लगा तो 180 डिग्री आ गया शुरू से, तो इसका मतलब है जे स्क्वायर ए वेक्टर। इस वेक्टर या फेजर एलजेब्रा में जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जैसे मैथ्स में आपको सिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयटा, ये भी बस आयटा का भाई है जे, तो जे स्क्वायर -1 आता है, तो आप जे स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो देखो बन गया ना माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का उल्टा क्या माइनस ए वेक्टर, तो बात तो वही आ गई। तो ये एक एलजेब्रा है जो जे ऑपरेटर से चलता है, तो अगर मैं पूछूं कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करते हो कि इसका कोफिशियंट ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का अंडर रूट, वेक्टर में भी करते हो वैसे, तो ऐसा कुछ तो आंसर आ गया राइट। बस ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं है, क्योंकि कल को अगर उसने ऑप्शन में ये पूछ लिया ईएमएफ आगे है करंट से बाय एंगल ऑफ 90, या वो ये बता दे कि ई प्लस आई इंटू ई या आई इंटू समथिंग, तो या जे इंटू समथिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए जहां जे लग गया वो 90 डिग्री टर्म आगे हो जाएगी, बस इसलिए ये थ्योरी बता रहा हूं। तो जे का मतलब यही पता होना चाहिए 90 डिग्री आगे, दैट से ये समझ में आ गया। बाकी ये पूरी थ्योरी है जिसके अंदर ये मेंशनड है कि एलआर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, एलसीआर को जैसे मर्जी करो, जैसे मान लो एलआर सर्किट है हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दो मिनट के लिए देखना है किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं इसे। कैसे, कई बुक्स ऐसे करती हैं सॉल्व, हमने एलआर एलसीआर को अपने तरीके से किया, वेक्टर से किया, हमने एनसीईआरटी में किया एलसीआर सर्किट एलआर सर्किट सब किए, ये कहते हैं कि एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट में वीआर, ये वीआर है और जो वीएल है उसके आगे जे लगेगा क्योंकि वीएल वोल्टेज इंडक्टर की 90 डिग्री आगे होती है रेजिस्टर से, तो ये टर्म आ गई। इसमें अगर नेट वोल्टेज निकालनी हो तो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर, ये हमें ऑलरेडी पता ही है।
तो वोल्टेज को करंट इनटू रेजिस्टेंस पुट करके सॉल्व करके ये टर्म आएगी, और इसकी अगर इम्पीडेंस निकालें तो आंसर सेम आएगा, ऑलरेडी डन, आपको करने की जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको LCR की, CR की, ये सब रेजिस्टेंसेस सब मालूम है, आपको करना ही नहीं है कुछ भी। जैसे LCR है, LCR में कहता है कि VR है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे है और कैपेसिटर की वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, तो नेट वोल्टेज क्या होगी, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। एक सेकंड में आंसर आ जाता है इसमें, तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है वेक्टर्स की, इसमें एलजेब्रा सॉल्व कर देता है। तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया, हमने इम्पीडेंस ऑलरेडी निकाल ली, तो आपको ये आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्लोज करो, बस आपको जे फैक्टर समझ में आ गया, जे फैक्टर कैसे काम करता है, सफिशिएंट है, कुछ नहीं करना फेजर अलजेब्रा में।